बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आफरीन फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डेगी मटन कोरमा रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान तरीके से बताई हूँ मैं। ये शादियों में बाबरची बनाते हैं, वही डेगी मटन कोरमा है। आप इसको घर पे बना के खा सकते हैं, वही टेस्ट वही स्वाद आपको मिलेगा। ये आप तंदूरी नान, चपाती, पराठे, कुलचे किसी के भी साथ सर्व करेंगे, बहुत ही पसंद आएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। डेगी मटन कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं 3 बड़े साइज के प्याज को एकदम फ्राई कर ली हूँ अच्छे से, इसका बिरस्ता बना ली हूँ। अभी उसी तेल में मैं कुछ अक्खा मसाला डालूँगी। मसालों में 2 तेज पत्ता है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, 1 बाजियन का फूल है। मसाला चटक गया है, अभी मैं इसमें मटन डालूंगी। मटन को अच्छे से साफ सुथरा धो के ली हूँ, मेरा 1.25 किलो मटन है। बिस्मिल्लाह। मटन को मिक्स कर दूंगी तेल में अच्छे से। सबसे पहले मैं इसमें 4 चम्मच अदरक लहसुन और इसमें 4 हरी मिर्ची पीस के ली हूँ, इसका पेस्ट डाल दूंगी। इसको रख के मैं मटन उबाल लूँगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ में 1/2 चम्मच हल्दी डालूँगी। इसमें मैं 1.5 चम्मच नमक डालूँगी। नमक मैं अभी पूरा ही ऐड कर दी, अभी बाद में नमक नहीं ऐड करूँगी मैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। साथ में मैं इसमें 1 कटोरी दही ऐड कर रही हूँ, फ्रेश दही है। वजन से देखेंगे तो लगभग ये 100 ग्राम के करीब है। सभी चीज़ों को मिक्स करके मैं इसमें 4 से 5 सीटी लगा लूँगी। इस तरीके से गोश्त मेरा गल जाएगा और इसमें जो भी मैं मसाला डाली हूँ वो सब भी पक जाएगा। इस तरीके से मटन में सब मसाले मिल जाएंगे और 4 से 5 सीटी मैं इसका लगा लूँगी। जब तक मेरा गोश्त गल रहा है मैं इसका एक खुशबूदार मसाला तैयार कर लूँगी। मसालों में मैं 4 चम्मच धनिया ली हूँ, अक्खा धनिया जो साबुत धनिया है, और 10 से 12 काजू ली हूँ, 1 चम्मच जीरा ली हूँ, 1 चम्मच खसखस ली हूँ, 4 हरी इलायची है, 4-5 लौंग है, और 10 काली मिर्च के टुकड़े हैं, 3-4 दालचीनी के टुकड़े हैं, और 10 से 12 छोटा छोटा मैं सूखा लाल मिर्ची ली हूँ। अभी ये सबको मैं रोस्ट करके भून के और इसका एक फाइन पाउडर तैयार करूँगी। इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा ही भूनना है एकदम। मटन मेरा गल गया है, मैं कुकर से अभी इसको कढ़ाही में डाल दी हूँ, एकदम पक चुका है, आप देख सकते हैं। इसका कलर भी एकदम डेगी कोरमा है, एकदम डेगी कोरमा जैसे आ गया है। बाबरची ऐसे ही बनाते हैं, जो शादियों में हम लोग खाते हैं खुशबूदार मटन, तो हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं। अभी मैं इसमें जो अक्खा साबुत मसाला ली थी उसको रोस्ट कर ली थी और उसका एक फाइन एक पाउडर तैयार की हूँ, इससे बहुत अच्छा खुशबू आता है। अभी मैं इसको इसमें डाल दूँगी, इसको मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्स कर ली हूँ इस तरीके से, इसमें आप देख सकते हैं तुरंत इसका कलर एकदम चेंज हो गया है और खुशबू इतना अच्छा आने लगा है, एकदम लाजवाब खुशबू। बाबरची शादियों में ऐसे ही बनाते हैं, इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि कितना अच्छा इन लोग बनाते हैं, खुशबू क्यों इतना अच्छा आता है। ये जो मैं प्याज फ्राई करके ली थी, 3 बड़े साइज का प्याज है, इसको मैं एक दरदरा पीस के ले ली हूँ मिक्सर में। आप चाहें तो इसको ऐसे भी हाथों से क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन पीसने से थोड़ा और कोरमा में दरदरापन आता है और अच्छा रहता है। इसको एकदम बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा इसको ऐसे ही जिस तरीके से मैं पीसी हूँ ऐसे ही पीसना है। और आप मटन मैं उबाल के ले ली थी और बाकी मसाला मैं साबुत जो मसाला था वो भून के ले ली हूँ। अभी इसमें कुछ भी कच्चापन नहीं है और प्याज भी जो मेरा है वो भी फ्राई किया हुआ है। इस तरीके से मटन मेरा बिल्कुल बनके रेडी हो जाता है, बहुत जल्दी ये बनके रेडी हो जाता है। अभी मैं इसको खाली 5 मिनट के लिए भून के इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँगी, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और टेस्टी तो इतना लगेगा।
कि आप सोचोगे कि ये मैं पहले क्यों नहीं देखी थी, और इसी तरीके से हमेशा मटन कोरमा बनाना पसंद करोगे। 5 मिनट हो गया है भूनते, अभी मैं इसको चेक कर लेती हूँ। माशाल्लाह कलर एकदम अच्छा आ गया है और खुशबू भी इतना लाजवाब आ रहा है। 5 ही मिनट में एकदम अच्छा भुना गया है। अभी मैं इसमें 1 गिलास के करीब पानी डालूंगी, जिसमें मैं उबाली थी वही कुकर खंगाल के मैं पानी डाल दूंगी। मैं नमक भी पहले डाल दी थी, हल्दी भी डाल दी थी, सब चीज़ इसमें डाल दी थी। अभी इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास समय कम हो और आप बाबरची स्टाइल मटन कोरमा खाना चाहते हो तो मेरे तरीके से ज़रूर बनाना। और इसको 10 मिनट के लिए मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे और पका लूँगी, ताकि आपस में सारे मटन में सारा मसाला घुल मिल जाए। इसको 10 मिनट हो गया है बनाते। सालन मेरा जितना गाढ़ा मुझे चाहिए उतना हो गया है। मेरा डेगी मटन कोरमा बनके रेडी हो गया है। माशाल्लाह एकदम बहुत टेस्टी बना है। आप इस तरीके से बनाओगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। अभी इसमें मैं थोड़ा सा हरी धनिया से गार्निश कर दूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर ऐसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।